हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और अगर आप टाइटल पढ़ के आए और थंबनेल देख के आए हो तो भाई आप सही जगह आए हो, क्योंकि आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एवेंजर्स से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। एवेंजर्स एंड गेम के बाद फाइनली अगर कोई न्यूज आती है एवेंजर्स से रिलेटेड तो यार मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ और मैं सोचता हूँ कि यार तुरंत इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया जाए। और उसी के साथ इस वीडियो में बात करूंगा छोटे मोटे अपडेट के बारे में, जो कि मेरा काम है कि भाई आपको प्रॉपर अपडेट प्रोवाइड करते रहना। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। चलिए सबसे पहले छोटे मोटे अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि पहला अपडेट है रिटर्न कैरेक्टर कि कौन कौन से रिटर्न कैरेक्टर आ रहे हैं एमसीयू में फ्यूचर में। तो सबसे पहले मैंने प्रीवियस वीडियो डाला था जिसमें कि मैंने बताया था कि जो हमारे चार्ली हैं, जो कि डेडेविल का कैरेक्टर प्ले करते हैं नेटफ्लिक्स की सीरीज में, वो रिटर्न हो रहे हैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में। अब आपको स्पाइडरमैन नो वे होम में तो देखने को मिल गए, जो कि पहला उनके लिए पोर्टल ओपन हो गया था, पर अब वो आपको फ्यूचर में मल्टीपल प्रोजेक्ट में देखने को मिलेंगे। पर अब फाइनली उनके बाद दूसरे कैरेक्टर का नाम आ गया है जॉन का, जो कि पनिशर का कैरेक्टर प्ले करते हैं और वो भी आपको दोबारा से देखने को मिलेंगे। पर उसी के साथ यहाँ पे एक और दूसरी बैड न्यूज आ जाती है जो कि आपको पसंद नहीं आएगी, कि जो जेसिका जोन्स की सीरीज थी, ठीक है, जो उनका कैरेक्टर प्ले करती थी भाई, वो कैरेक्टर दोबारा से रीकास्ट हो रहा है और एमसीयू में जेसिका जोन्स को रीकास्ट करा जाएगा, इसके अपडेट आ रहे हैं। अब ये बात कितनी सच है ये तो आने वाले फ्यूचर सीरीज में ही पता चलेगा। और तीसरा कैरेक्टर जो कि आप मतलब सोच भी नहीं सकते कि कौन रिटर्न हो रहा है, तो आप सभी ने फॉक्स की मूवी देखी होगी एक्समैन यूनिवर्स की, जिसकी कह सकते हो डेथ स्ट्राइकर कैरेक्टर था, जो कि वुल्वरीन से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड था, वुल्वरीन की बहन भी कह सकते हो एक तरीके से, जिसकी नाखूनों में लंबे लंबे से भाई साहब वो कांटे से निकल पड़ते थे, ठीक है, आपने वो डेफिनेटली कैरेक्टर देखा होगा। और स्ट्राइकर उसे एक्चुअल में स्ट्राइकर से ही नाम मिला था, जिसको वुल्वरीन मारने वाला था, क्योंकि वुल्वरीन की जिंदगी उसने ही तबाह करी थी। और सभी जानते हैं कि स्ट्राइकर ने ही वुल्वरीन को बनाया था, उसके शरीर में वो धातु डाली थी जिससे कि वो सब कुछ काट सकता है, और अब वो कैरेक्टर दोबारा से देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा पॉइंट आता है कि मार्वल यार सेलेक्टेड कैरेक्टर को क्यों वापस ला रहा है, क्योंकि ये कैरेक्टर लेजेंड है जो कि एमसीयू में पहले काम कर चुके हैं, और डेथ स्ट्राइक दोबारा से वापस आ रही है, तो यार मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। या तो मुझे लगता है कि एक एक्समैन मूवी अलग से बन रही है, या फिर मुझे लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज की अपकमिंग जो मूवी है उसमें ये कैरेक्टर देखने को मिल सकता है, पर इसका कोई श्योरिटी नहीं है, बस वो कैरेक्टर रिटर्न हो रहा है ऐसे कुछ अपडेट आए हैं। उसी के साथ अब बात करते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। अब मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से तो पता चलता है कि भाई कि जो कैरेक्टर अब जो आ रहे हैं ना वो कमाल के हैं। तो अभी हाल ही में एक रूमर था बीच में कि जॉन भाई जो क्या कहते हैं एक्चुअली में फैंटास्टिक का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो अभी हाल ही में एक आर्ट आया, एक लीक आई है जो आप मेरी स्क्रीन पे देखी है, और भाई एक्चुअली में ये बहुत ज्यादा कमाल का लग रहा है। और बस मैं दावा नहीं कर रहा हूँ अभी कि ये सही है या गलत, ये आप लोगों का तय करना है कि ये सही है या गलत। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको डिटेल मिलती है तो मुझे भाई पर्सनली बताओ, मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये कौन सा पार्ट एक्चुअल में रियल का निकला है। पर अगर ये रियल का निकला तो भाई मजा आने वाला है, और जो रूमर्स आ रहे थे वो सच निकल रहे हैं। तो ये आपको कौन सा पार्ट देख के कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और फैंटास्टिक फोर के लिए एक लाइक तो बनता ही है। उसी के साथ अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि बहुत ही कमाल का है। तो फाइनली मिस मार्वल की रीशूट चालू हो चुकी है, ये थोड़ी डिले हो सकती है, और जैसे रिलीजिंग डेट कंफर्म होगी मैं आपको तुरंत बता दूंगा। और डायरेक्टर ने ये भी सेट रिलीज करी है और शेयर करी है, और उन्होंने बताया कि शूट अभी चालू है और अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा फैंस को। उसी के साथ अब नया अपडेट है जो कि है सीक्रेट डिमेंशन सेट इमेजेस से। तो पहले तो बहुत सारी वीडियोस आई हैं, तो चेकआउट करो मेरे इंस्टाग्राम को, वहां पे मैंने काफी कुछ डाला है वीडियो से रिलेटेड, इमेजेस से रिलेटेड, पर मेरे को ये ज्यादा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि यार जब से निक फ्यूरी स्पेस से वापस आए हैं अर्थ पर उन्होंने शेविंग नहीं बनाई है, मुझे लगता है कि शेविंग बनाने का उनको बिल्कुल टाइम नहीं मिला है, और वो जैसे ही आए हैं मिशन में लग गए हैं। सीक्रेट डिमेंशन बहुत ही कमाल की टीवी सीरीज होने वाली है, और आए दिन कुछ सेट इमेजेस आती रहती है, तो अगर आपको वो प्रॉपर जाननी है, क्योंकि मैं हर एक इमेज पे तो वीडियो बना नहीं सकता, तो वो आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिल जाएगी, जाके फॉलो करो। और उसी के साथ अब बात करते हैं, ये तो सारे अपडेट खत्म हो गए, और अब बात करेंगे एवेंजर्स से रिलेटेड अपडेट के बारे में। पर रुको 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 भाई, अगर आप एवेंजर्स के बहुत बड़े फैन हो और मेरी तरह अगर एवेंजर्स की टी शर्ट पहनना चाहते हो और हर एक कैरेक्टर की टी शर्ट पहनना चाहते हो, तो जाके चेकआउट करो रेड वुल्फ वेबसाइट, जिसमें कि आपको बहुत ही कमाल कमाल की एवेंजर्स से रिलेटेड टी शर्ट मिल जाएंगी, और उसी के साथ आपके जो फेवरेट कैरेक्टर है उनकी भी आपको टी शर्ट मिल जाएंगी। बहुत इजीली आप इन्हें सेलेक्ट कर सकते हो, साइज सेलेक्ट करो, चेकआउट करो, और देन एंडिंग में अगर आप AG10 डालोगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। तो क्यों नहीं कर रहे हो ऑर्डर, जाके चेकआउट करो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, और कोड भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, जाओ। और उसी के साथ अब बात करते हैं एवेंजर्स रिलेटेड अपडेट के बारे में। तो सभी जानते हैं कि एंड गेम के बाद भाई क्या हुआ, आयरन मैन ने जो स्नैप करी और उसके बाद काफी लोग सब इमोशनल हो गए,
और सब सोच रहे थे कि फ्यूचर में एमसीयू में कौन नया विलेन होगा जो कि धमाका मचा देगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा रिकैप करते हैं और थोड़ी सी चीजें मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखो मार्वल फेज थी स्टार्टिंग हुई आयरन मैन से, ठीक है, और लोगों को नहीं पता था कि क्या होने वाला है, ये शायद बैक टू बैक मूवी निकालेंगे और कुछ नहीं होने वाला, सब ऐसे ही होगा, ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स फ्लॉप हो जाएगा। पर नहीं, फेज वन एक नाम ऐसा लॉन्च कर दिया उन्होंने, फेज वन जिसकी 5 मूवी आई और एक मूवी आई एवेंजर्स जिसमें की एक कैरेक्टर को इंट्रोडक्शन करा गया थेनोस, जिसका सिर्फ हल्की सी झलक देखने को मिली। फिर उसके बाद एक और मूवी आई, ठीक है, फेज टू आया, उसमें बहुत सारी मूवीज आई, उसमें एनी इन्फिनिटी स्टोन्स को भी इंपॉर्टेंस दी, फिर थेनोस को दिखाया रेफरेंस, फिर थेनोस को रेफरेंस दिखाया गार्डन द गैलेक्सी, फिर इन्फिनिटी वॉर और फिर फाइनली एंड गेम। और टोटल एमसीयू के 3 फेस आए और तीनों फेसों में थेनोस को इंपॉर्टेंट दिखाते हुए और हमें एक कंक्लूजन देखने को मिला 21 मूवीज का। टोटल 21 से 22 मूवी का कंक्लूजन देखने को मिला एंड गेम में, और फाइनली एंड गेम में थेनोस का अंत हो गया। पर उसके बाद क्या, क्योंकि भाई फैंस यही सोचने लग गए कि आने वाले टाइम में क्या होगा, क्योंकि अब तक इतनी सारी मूवी देखी और उसका एक कंक्लूजन आया एंड गेम जो कि बहुत ही कमाल की मूवी रही और उसने कुछ टाइम तक तो अवतार को भी बीट कर दिया था रिकॉर्ड में, वर्ल्ड वाइड में कमाने के मामले में। तो अब आगे क्या, तो फाइनली फेज 4 लॉन्च हुआ जिसमें कि सबसे पहले हमें जो मूवी देखने को मिली मेरे हिसाब से स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम, जिसमें हमें बताया गया कि टोनी स्टार्क के बाद की दुनिया कैसी रही और पीटर पार्कर जो कि सबसे ज्यादा प्यार करता था उस पे क्या प्रभाव पड़ा उसकी लाइफ पर। तो उसके बाद फिर काफी सारी मूवीज आई, सीरीज आई, जिसमें कि हमें पहले वांडा विजन देखने को मिली, फाल्कन द विंटर सोल्जर, फिर लोकी, व्हाट इफ, फिर उसके बाद ब्लैक विडो, शैंग-ची, इंटरनल्स, बहुत सारी मूवीज देखने को मिली और आना बाकी है, और भी मूवीज आना बाकी है। तो आगे क्या, क्या ये ऐसे चलता रहेगा? नहीं, अभी इसके बाद फेज 4 आएगा, फिर फेज 5 आएगा और इनके बीच में आएगी एवेंजर्स की न्यू ट्रिलॉजी। जी हाँ, एवेंजर्स की बैक टू बैक 3 मूवीज आएंगी जो कि होगी एवेंजर 5, एवेंजर 6, एवेंजर 7। टाइटल कोई कंफर्म नहीं है क्योंकि एंड गेम तक का साला टाइटल नहीं पता चला था, उसका मैं कैसे बता दूंगा। तो एवेंजर्स की आपको 3 मूवी देखने को मिलेंगी जो कि कवर अप करेंगी सीक्रेट वॉर की स्टोरी को। अब सीक्रेट वॉर की स्टोरी क्या है, कॉमिक बुक जाके देख सकते हो दूसरे यूट्यूबर्स की कि सीक्रेट वॉर की एक्चुअल में स्टोरी क्या है, गूगल में आपको पता चल जाएगा। एवेंजर्स की स्टोरी एक्चुअल में उसकी स्टोरी को कवर करती हुई आएगी और लास्ट जो एवेंजर्स 7 होगी वो सबसे बड़ा कंक्लूजन होगी फेज 4 और 5 की। अब फेज 4 और 5 तक ही मूवी बनेंगी, बिकॉज क्यों, क्योंकि फेज 4 में इतनी सारी सीरीज है, मूवीज है कि भाई उनकी लिस्ट करीब अराउंड 25 से 26 से ऊपर निकल रही है। तो सोचो फेज 5 में कितनी मूवीज आएंगी। और अब तो मल्टीवर्स मैडनेस में इतने सारे पोर्टल ओपन हो रहे हैं कि हर एक कैरेक्टर रिटर्न हो रहा है, जिसकी मतलब कह सकते हो कि आप उम्मीद भी नहीं कर सकते, किसी के तो कौन सा पार्ट लीक हो रहे हैं, किसी की पूरी लिस्ट ही लीक हो गई है। तो आपको शायद वो गूगल पे मिल चुकी होगी जहाँ आपने अदर यूट्यूबर्स की वीडियो देख ली होगी। तो यार यही कहना है कि भाई आने वाली एवेंजर्स मूवी बहुत ज्यादा कमाल की होने वाली है और एवेंजर्स की 3 मूवी फाइनली कंफर्म हो चुकी है और रिपोर्ट ये ही आई कि वो सीक्रेट वॉर को कनेक्ट करेगी। और सीक्रेट वॉर से ज्यादा है कि अभी सीक्रेट इन्वेंशन भी आ रही है जिसमें कि स्कल्स अर्थ पे कब्जा कर रहे हैं और न्यूक फ्यूरी फाइनली अब काम पे लग चुके हैं, दोबारा से अपनी शील्ड को दोबारा से विकसित कर रहे हैं और वो स्कल्स को धीरे धीरे खत्म करेगी। तो सीक्रेट वॉर एवेंजर्स की स्टोरी को कवर करेगी, सीक्रेट इन्वेंशन इसका एक हिस्सा होगी छोटे लेवल का, ठीक है। तो देखते हैं कि आने वाले फ्यूचर में क्या होगा और सीक्रेट इन्वेंशन से ही पता चलेगा आने वाली एवेंजर्स मूवी के बारे में और कैप्टन मार्वल से पता चलेगा 2 से। तो देखते हैं गाइस क्या होगा आने वाले फ्यूचर में। पर उसी के साथ ज्यादा मत देखना, पहले सब्सक्राइब बटन देखो, उसे सब्सक्राइब करना अगर मेरे चैनल पे नए हो। उसी के साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अगर उससे ज्यादा फालतू तो भाई इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो क्योंकि मैं वहां पर फटाफट अपडेट डालता रहता हूं। तो चले बाय बाय, जा रहा हूं। हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग? तो देखो ऐसे बैठ के इसलिए बात करनी पड़ रही है क्योंकि मेरा माइक ये लगा हुआ है और दोबारा वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि वीडियो अपलोड करते ही कॉपीराइट आ गया, जो कि ऐसा बिल्कुल होना नहीं चाहिए था। और मतलब समझ सकते हो कि मतलब इतना ज़्यादा टाइम लग गया कि मैं आपको दिखाता हूँ खुद। और उसके बाद ये भी जो वॉइस की प्रॉब्लम थी ना, कि काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में बोलते थे कि भाई वॉइस बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो देखो मैंने कुछ ऐसे सेटअप करा है, ठीक है, लोगों के गमलों में पौधे होते हैं, हमारा माइक होगा हुआ है ऐसे, मैंने ये सामने रिंग लाइट और ये अपनी चेयर और अपना पीसी का सेटअप ऐसे कर रखा है, ठीक है प्रॉपर। तो ये है कि मतलब हाँ कुछ हद तक अब वॉइस आपको जो इज़ आपने ये वीडियो देखी है उसमें सही आई होगी, पर अभी हाल फिलहाल शायद वॉइस क्लियर नहीं होगी क्योंकि माइक नीचे है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और लाइक का आज पहली बार मैं एम रख रहा हूँ 1400 से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर दी। कम से कम अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक आते हैं तो मैं समझ जाऊँगा कि हाँ मेरी मेहनत सफल हुई, ठीक है। अपडेट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो पे 1000 लाइक कर दो बस, आज पहली बार एम कर रहा हूँ।
कर देना लाइक।